गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज का लेक्चर अपना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे बेस्ड है बेटा। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हम वो डिस्कस कर लेते हैं जो बार बार आपकी क्वेरी आ रही है, जो क्वेश्चन हर लोगों को दिक्कत कर रहा है। क्वेश्चन पूछने के बीच पे बेटा दो तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपल वाला है जिसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करके आंसर वेरीफाई कर ले रहे हैं, मगर जो उसमें दूसरा पूछने का तरीका है वो लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसकी सेटिंग को अरेंज कैसे किया गया। तो पहले हम आपको एक सिंपल बता देते हैं बेटा कि सिंपल क्वेश्चन में कैसे डीलिंग करनी है, फिर उसका जो अच्छा वाला पार्ट है वो कैसे करना है। जैसे बेटा एक क्वेश्चन ये दे रखा है तो आपने कहा हाँ ये हमको समझ में आता है, आपने कहा ये थी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल ली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वही लॉजिक है। ये एक्स 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 पूरा इन्फिनिटी तक है, इस पूरे को छुपा लो बेटा। अगर इस पूरे का नाम वाई था तो अगर इसको छुपा लेंगे तो यहां से लेकर यहां तक का ये वही क्वेश्चन है जो आपने इनिशियल पेज पर बनाया था। अगर हम इस एक्स को छुपा ले बेटा तो ये यहां से वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है जैसा ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, और अगर ये वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है तो अगर इसका नाम वाई था तो इसको भी वाई से रिप्लेस कर सकते। उसके बाद बेटा एलसीएम ले लिया, सिंपली डिफरेंशिएट 2y/dx = x/dx। आपने कहा इसको इधर ले आए dy/dx कॉमन, तो 2y-x/dy/dx = y। यहां से बेटा नीचे ले गए, यहां से प्रूफ करना था जो आपको dy/dx = 2y-x, ये ऑटोमेटिकली बात है ठीक। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को इजीली एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि यहां पर जो आंसर आ रहा है उसकी सेटिंग को कैसे अरेंज करना है। तो एक बार आप अगर कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन हमने आपको पीडीएफ में नहीं दिए हैं, और जितना भी काम आपको आज कराएंगे वो पीडीएफ में भी पॉसिबल नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन चीजों को यहीं से कॉपी कर लेना और बाकी जो चीजें हैं उसके अंदर स्नैपशॉट ले लो या फिर अपना रिकॉर्ड करो। चलिए बेटा अब यही क्वेश्चन डिफरेंट पेज में कैसे पूछा जाता है, आप उसको कैसे समझेंगे कि यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और इसी को इस तरीके में क्या चेंजेस करके अपने आंसर को मैच कराया जा सकता है। अगर आप क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर क्वेश्चन दे रखा है वो समझे भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम है, अभी तरीके से लिखा हुआ है तो फॉर्मेट कभी आपने देखा ही नहीं। एक्चुअली में ये फॉर्मेट कुछ और नहीं है, वो यही फॉर्मेट है। आप ऐसे समझिए कि पूरे क्वेश्चन को ऐसे दबा दिया गया, जब आपने इसको दबा दिया तो ये क्वेश्चन ऐसा ही बन गया। तो ये एक लिखने का पैटर्न है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली कम स्पेस में हम अपने पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब कि जैसे इस वाले में जब हम क्वेश्चन को लिखते हैं तो ये ऐसे बढ़ते 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 स्पेस ज्यादा कवर करता है, तो इस स्पेस को रिड्यूस करने के लिए बस ये लिखने का तरीका लिखा है और कुछ नहीं है। तो यानी अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है, मतलब इस आंसर को कैसे सेट करना है ये चीज सीखनी है। तो अब जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस आंसर को कैसे सेट करना है वो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहां तक का आंसर आपने सेट कर लिया, अब बस आपने कहा हमको ये बताइए कि ये आंसर मैच कैसे कराएंगे जो आपने हमको दे रखा है। तो उसके लिए सेटिंग एक स्टेप की और है बेटा, ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दो, जब ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा ये y से डिवाइड करने पर ऊपर 1 बचेगा, यहां पर x y y आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। अब बताओ ओरिजिनल क्वेश्चन से y की वैल्यू कितनी थी, तो आपने कहा ओरिजिनल क्वेश्चन से y की वैल्यू ये थी, तो ओरिजिनल क्वेश्चन से y की वैल्यू यहां लिख दो, तो आपने कहा ओरिजिनल क्वेश्चन से y की वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे, ये थी बेटा y की वैल्यू, और यही फॉर्मेट ये लिख दो बेटा। अगर तुम इसको नीचे सकता होगे तो ये पूरा फॉर्मेट ऐसे कैसे है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यही क्वेश्चन घुमाकर आपसे कैसे पूछा जा सकता है। ऐसा ना हो बेटा यहां वाला वे तो आपको बहुत अच्छे से आता हो, मगर यही क्वेश्चन जब यहां पूछ लिया जाए तो आपको समझ में आया कि कैसे इसका यूज करना है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इनके ऐसे फॉर्मेट में या ऐसे फॉर्मेट में कैसे भी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि कैसे इसको सिंप्लीफाई करके अपने आंसर को डिस्क्राइब करना है। चलो मैं पहले को भी कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे y = x² + 1/x² + x² + x² इस फॉर्मेट का है, शीट का क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 का बी पार्ट है बेटा ये आपका। तो आपने कहा पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन क्या है बेटा, उसके बाद बाकी कहते हैं। तो आपने कहा पिछला एक ऐसा पैटर्न हमने देखा था कि ये एक चीज का मतलब होता है ये नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो आपने कहा इस पैटर्न का मतलब ये क्वेश्चन को एक्सटेंड करेगा तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ तो शुरुआत होगी पूरी चीज वाई से बेटा, तो यहाँ से जो क्वेश्चन जा रहा है ये पूरा अगेन वाई हो जाएगा, नाउ द क्वेश्चन इज y = x² + 1/y।
आपने कहा था हमने एलसीएम ले लिया, इक्वेशन नंबर 22 पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1। नाउ एलसीएम लेने के बाद बेटा आपने को डिफरेंशिएट किया, तो वाई स्क्वायर का 2y डिवाइडेड बाय dx, एक्स स्क्वायर वाई का बेटा डिवाइडेड बाय dx, फिर वाई को रखा एक्स स्क्वायर का किया तो y * 2 है। dy/dx वाला टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, ये सेटिंग अरेंज हो गई, याद रखा आपके पास। मेन गेम क्या होता है बेटा, अब इसके बाद मेन गेम आपका होता है कि आंसर की सेटिंग को बनाना। अब आपने कहा हमारे आंसर में जो हमको प्रूफ करना था उसमें कहीं y नहीं आ रहा, तो हमें y को एलिमिनेट करना है, और ऐसे एलिमिनेट करना है कि न्यूमरेटर में कहीं हमारा y ना आए, ठीक है ना। तो आपने कहा कि जो हमारा आंसर आया है उसको हम अरेंज करते हैं, हमने क्या किया बेटा इस वाले में y वाले के ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। आपने कहा इस वाले में y वाले से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे क्वेश्चन की सेटिंग ये बन गई। बस अब करना क्या है, जो भी y की वैल्यू थी वो आप पुट कर देंगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, यानी y जो आपने ये एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखा था y, और उसको वहां पे पुट कर दीजिए और देखिएगा आपका आंसर आपसे मैच हो जाएगा। तो आप करके देख सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल वेरीफाई। चलिए बेटा अब बात करते हैं डबल डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जो भी हमने बात करी थी शुरुआत में। हायर ऑर्डर का मतलब होता है एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन। जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बेटा तो आता है dy by dx, जिसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में y1 लिख देते हैं। बार बार dy/dx ना लिख के y1 और y डैश, ध्यान रखिएगा कहीं पे भी ऐसे लिखा हो समझ जाइएगा y1 या y डैश लिखा हो तो इसको हम बोलते हैं dy by dx। जब आप dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आता है बेटा d2y/dx। जब आप dy by dx को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो यह आता है d2y/dx2, और इसका नाम होता है y2 और y डबल डैश। मतलब d2y/dx2 जो है उसका नाम y2 है या y डबल डैश है। कहीं भी क्वेश्चन में अपना y डबल डैश लगा हो तो आप समझ जाइएगा इसको हम लोग बोलते हैं d2y/dx। अगर उसी को बेटा एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसको बोलते हैं d3y/dx3 या d3/2/dx2, ठीक बेटा। तो ध्यान रखिएगा वर्डिंग बोलने बोलने में डिफरेंट हो सकती है, बट हमारा पर्पस वही होता है, मतलब हमारा जो मीनिंग है वो वही इंटरप्रेट होता है, इसको y3 या y2/dx के नाम से। अब जैसे आपने कहा यह जो पार्ट में लिखा है बेटा ये नॉर्मली तुमको बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये पैरामेट्रिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक आता है, जहां पर टी के टर्म्स में क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्रेसिव में डिफरेंशिएट करता हूं। टी के टर्म्स में क्वेश्चन है और डिफरेंशिएशन जो करना है वो एक्सप्रेसिव में करना है, तो जो सबसे अच्छे क्वेश्चन अभी हम करेंगे वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा बेटा, जब हम y² को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y आता है, और जब y को डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dx आता है। इसी तरह सेम तरीके से बेटा अगर t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, और जब t के करने की बारी आएगी तो वो आ जाएगा dt/t। तो जब ये आपके सामने आएगा पैरामेट्रिक तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे वो उस पर बेस करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तब ये वर्डिंग बार बार बोलेंगे तो वहां पे आप एक बार पकड़ लीजिएगा कि इसका यूज कैसे करना है। और बहुत बहुत उम्मीद करते हैं जो आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलता है पेपर में उसी पे बेस होता है, तो इसका अच्छा है। अब आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। जो आपने हमको बताया उससे बेस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हमें बताइए। अब बताइए भाई आपने कहा क्वेश्चन ये रखा y = tan x, और तो प्रूफ करना है d y2 = 2y y1, y2 का मतलब हो गया d2y/dx2 और y1 का मतलब हो गया dy/dx। तो आपने कैसे ये शुरू करते हैं, सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट बोथ द साइड, जब डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, tan x का डिफरेंशिएशन dy/dx that should be equal to sec square x, अगेन डिफरेंशिएट ये दो बार करना है। तो आपने कहा जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको बोलेंगे d/dx ऑफ dy/dx, दैट शुड बी इक्वल टू d/dx ऑफ sec x का होल स्क्वायर। चलिए बेटा डिफरेंशिएट करिए, आपने कहा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे टर्म आ जाएगा d2y/dx, ये वाला बेटा। आपने कहा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec x, और जिसको माना उसका किया तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x * 2 है, ठीक। सेट करिए बेटा इसको, तो ये हो गया y2, sec स्क्वायर x जो है तो ये हमारा dy/dx था, और tan x जो था वो हमारा y, यानी कि सबसे पहले तो y2 = 2, और आप देखिए तो आपको ये
तो आपने कहा कि इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया, और लेकिन बस आपको ज्यादा कुछ ध्यान रखना था, एक बार और डिफरेंशिएट करने की बात ही करनी थी, बस हमने एक बार और डिफरेंशिएट किया और हमारा आंसर करके। अब अगर देखिए हमने जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो आपको खुद करना है, हम नहीं करेंगे। आपने के पास अंतर इतना है, जहां टेन था वहां कॉट आ गया, जब हम कॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो एक माइनस साइन आएगा, वो माइनस साइन जो आएगा वो हमारे इसको सेट कर देगा। ध्यान रखिएगा दूसरा वाले जब क्वेश्चन आप करेंगे तो इसका कैसे सॉल्व करना है और कैसे इसका आंसर मैच कराना है ये आपके ऊपर है, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, ये आप खुद करके देखिएगा, ना आए तो हमें आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा क्वेश्चन, तो हम आपको सोल्यूशन इसका दे देंगे। चलिए डबल डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया, दो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे किए हुए हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा कि एग्जैक्टली उसका लॉजिक क्या होता है। देखो बेटा हमने सॉल्व इसलिए पहले कर दिया है, हम चाहते थे साथ में सॉल्व कर सकते थे, बट क्योंकि हमें आंसर की सेटिंग को तुम्हें समझाना है कि आंसर देख के आंसर कैसे चीट कर लिया जाता है। डबल डेरिवेटिव में होता क्या बेटा कि लोग बस करते जाते हैं और आंसर सेट करने की कोशिश करते हैं, उनका दो चार पेज चला जाता है क्वेश्चन, और हमारी कोशिश ये रहेगी कम से कम स्टेप पे तुमको हम आंसर मैच करना सिखा देंगे, देखो तुम्हें आंसर दिख जाएगा कि हमारा आंसर आएगा ही आएगा, तो हमारा मेन मोटिव वही है। आपने का क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल टू e की पावर x sin x plus cos x, अब जनरली जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता था आपके दिमाग में तुरंत आता है प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करिए, एक को रखा दूसरे किया दूसरे को रखा sin x किया। हमने क्या किया बेटा, हमने उससे प्रोसीड करने से पहले इस e की पावर x का आधा ना लेफ्ट में आ जाओ, जब ये भाई साहब लेफ्ट में आ गए तो आपने कहा कि जो क्वेश्चन बन गया अब वो बन गया ये, और हमको प्रूफ करना है ये हमारा प्रूफ करना है। तो हमने कहा अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अब हमने कहा कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा राइट हैंड वाला डिफरेंशिएशन काफी इजी है और लेफ्ट हैंड वाला प्रोडक्ट छोटा सा है, यहां पे बेटा काफी बड़ा हो जाता है, यहां पे छोटा सा। तो आपने कहा जब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया तो एक को रखा दूसरे किया दूसरे को रखा पहले को किया, तो e की पावर माइनस एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, e की पावर माइनस एक्स पूरे में कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे आ गया बेटा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आपने कहा क्योंकि हमें आंसर में डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का टर्म चाहिए, यानी हमको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपने कहा जब हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक को रखा दूसरे किया दूसरे को रखा पहले कर दिया, तो आपने कहा ये स्टेप अपना सेट कर दिया। इधर वाले में बेटा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आ गया बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इधर वाले में से e की पावर माइनस x पूरे में कॉमन है, d2dx2 को रिप्लेस कर दिया y2 से, dy/dx को रिप्लेस कर दिया y1 से, तो इस सबसे पूरी सेटिंग हमारी बन गई। ये जो e की पावर माइनस एक्स है उसको उस तरफ ले गए क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारा e की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो था वो वाई था, जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो जो e की पावर माइनस एक्स का टर्म है वो e की पावर एक्स हो जाएगा, तो आपका ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये पूरी चीज वाई थी, बाहर माइनस साइन लगा हुआ इसलिए बेटा माइनस वाई हो गई, अपने कहा ये एक्सप्रेशन हमारा प्रूफ हुआ और हमको यही प्रूफ करना। तो एक स्टेप की सेटिंग करने से फिर इसको यहां से यहां तक लाने में हमारा क्वेश्चन जो है काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, आप इसको नॉर्मल तरीके से करके देख लीजिएगा आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि वो एक स्टेप की सेटिंग से क्वेश्चन कितना रिड्यूस हो जाता है। चलिए बेटा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इस वाले में फिलहाल अभी हम कोई सोच नहीं रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं बस, मतलब अभी आपको अपने काम के लिए एक हमने आपको टिप्स बता दी, सिंपल तरीके से बता सकते हैं, ये ना लगे आपको कि क्वेश्चन बहुत ऐसा होता है कि हम कर ही नहीं पाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन सबसे होता है। तो जैसे हमने कहा सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y is equal to sec x minus tan x, डिफरेंशिएट किया y का बेटा डिवाइड बाय dx हो गया, sec x का sec x into tan x हो गया, tan x का sec square x हो गया, sec x पूरे में कॉमन था हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया tan x minus sec x, sec x minus tan x का नाम y था तो tan x minus sec x का नाम minus y हो जाएगा, तो बेटा इसको हमने minus y से रिप्लेस करके लिख लिया minus sec y। उसके बाद आपने कहा नहीं हमको क्वेश्चन में d2y / dx2 का टर्म चाहिए, तो बेटा यहां पे मैं सोच गया d2y / dx2 का टर्म चाहिए, तो आपने बोला d2y / dx2 का टर्म चाहिए, तो आपने कहा उसके लिए हमको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपने कहा जिसको हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो dy / dx का डिफरेंशिएशन d2y / dx2 हो जाएगा, इधर वाले में बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा तो हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, dy / dx की वैल्यू हमारी थी माइनस y sec x, तो जहां पे जो dy / dx का टर्म आ रहा बेटा उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस y sec x। आपने कहा इसको जब आपने रिप्लेस करके माइनस वाई sec x किया तो आपने कहा माइनस का वाई sec x पूरे में कॉमन है और कॉमन लेने के बाद अंदर बचा tan x माइनस sec x, tan x माइनस sec x को हम रिप्लेस कर सकते हैं माइनस वाई से, तो जब आपने इसको माइनस वाई से रिप्लेस किया तो फाइनल आंसर आ गया आपका माइनस माइनस प्लस, और ये sec x था इसको लिख दिया 1 / cos x, लेफ्ट हैंड में ले आए cos x d2y / dx2 = y, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर।
चलिए बेटा अब दो अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम आपको स्टेप दिखाते चलेंगे कि कहां पे क्वेश्चन को कैसे सोचना होता है और कहां क्या करना होता है, वो स्टेप आप कैसे जजमेंट देंगे कि आपको इस स्टेप पे सेटिंग कैसे अरेंज कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। जैसे पहला स्टेप देखते हैं अपना y equal to sin m of sin m of x। सबसे पहला काम पहला स्टेप को डिफरेंशिएट करिए, तो y का बेटा dy / dx, sin का डिफरेंशिएशन cos, इनटू जिसको मानना उसका किया बेटा, तो m sin m of x कराएंगे तो m upon under root 1 minus बस। इसी स्टेप पे तुमको सेटिंग सीखनी है और यहाँ के बाद क्वेश्चन में तुम्हारे और हमारा डिफरेंस ये होगा कि तुम हो सकता है इसको दो पेज में ले जाओ, हम हो सकता है दो स्टेप पे ले जाके खत्म कर दे। ये सब चीजें तुम्हें जजमेंट लेना आना चाहिए कि कैसे चीज को सोचा जाता है। हमने कहा था जो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है उसको इधर ले आते हैं, बस इतने स्टेप से क्वेश्चन की कहानी बिल्कुल पलट जाती है और क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब आपने कहा आपको कैसे स्ट्राइक किया कि आपको ये काम करना था। देखिए बेटा पेपर में आपको करना है हमको नहीं करना है, तो ये बात आपको समझनी रहेगी कि पेपर में आपको कैसे सोचना होता है कि इस चीज को हम ऐसे यूज कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने कहा आप आंसर देखिए, आंसर हमको बता रहा है, आंसर कह रहा है 1 माइनस एक्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, वाई टू का मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का टर्म हमको चाहिए। जब हमने इसको शिफ्ट कर लिया बेटा तो इसके बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो वो टर्म तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे सेटिंग बनेगी। तो आपने कहा उसके लिए चलिए लगा के दिखाते हैं आपको, पोटेंशियल प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक को रखा दूसरे का किया, दूसरे को रखा पहले का किया, तो आपने कहा पहले का मतलब इसका करना है, तो इसको करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 बाय 2 कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 बाय 2 कर लेंगे तो एक्स की पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका किया, तो 1 का 0 हो जाएगा बट एक्स स्क्वायर का माइनस 2 इज इक्वल टू इधर आएगा। इस पूरे को अपने मन में एक्स माना तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू जिसको माना उसका किया, तो आपने कहा m माइनस साइन ऑफ m साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस एक स्टेप अरेंज करना है, पूरा क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ चुका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा इसको रखते हो तो आपने कहा जब इसको रखते हैं तो देखिए आपको अपना आंसर मिलना शुरू हो गया, ये बेटा अंडर रूट अंडर रूट मिलके 1 पावर हो जाएगा d2y / dx2 इधर आ बेटा, ये पावर 1 बाय 2 माइनस 1 यानी माइनस 1 बाय 2 हो गए, और जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आपस में कैंसिल आओ, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल आओ, तो आपने कहा ये हो गया माइनस x dy / dx, वो दोनों बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। उधर आओ साइन ऑफ m साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी थी बेटा y, तो आपने कहा ये पूरी वैल्यू हमारी y की, m और m मिलके m स्क्वायर ये वैल्यू y, और इसको तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं यानी कुल मिलाकर ये हमारा आ गया बेटा माइनस एम स्क्वायर, शिफ्ट कर दो दिखने में ये बड़े क्वेश्चन है मगर तुम सोच के देखो कंपैरेटिवली तुम कम स्टेप में कर ले रहे हो, एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप चौथे स्टेप पे अपना आंसर सेट हो चुका है। डबल डेरिवेटिव कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है वर्किंग में कम होता है, सिर्फ ये मत सोचना है कि डबल डेरिवेटिव का मतलब डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है दिमाग लगाना समझ में आ जाएगा कौन से कम स्टेप में क्वेश्चन को कैसे खेला जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं, आपको बात और अच्छे समझ में आएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, आपने कहा शुरुआत करते हैं तो आपने कहा पहली बार तो सेट मारते हैं उसके बाद देखते हैं कैसे सेटिंग पर अरेंज करना है, तो आपने कहा जब पहली बार डिफरेंशिएट किया एक्स की पावर एम का इंटू जिसको माना उसका किया, जब एलसीएम लेंगे बेटा तो यह आ जाएगा अंडर रूट, और मेरे ख्याल से जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको समझ में आया था वैसे इस क्वेश्चन में भी समझ में आ चुका है कि इसके साथ आपको ये लाना है,
जब इसके साथ आपको ये लाना तो आपको समझ में आ गया कि जो एलसीएम वाला पार्ट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया बेटा, ये और ये दोनों सेम चीज है, ये m माइनस वन पावर है और ये वन पावर है, तो m माइनस वन पावर को जब वन पावर मिलेगी तो ये बन जाएगी m पावर, और जो m पावर बनेगी उसका नाम क्या था बेटा, y, यानी आपने कहा कि इसको जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा m x प्लस अंडर रूट वन प्लस x स्क्वायर की पावर m, दैट शुड बी इक्वल टू m। अब अपना काम खत्म, बात बन चुकी है, एक स्टेप की सेटिंग और है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। आपने कहा डिफरेंशिएट, तो आपने कहा पहले को रखा दूसरे को किया, प्लस दूसरे को रखा पहले कर दिया, इज इक्वल टू एम डी वाई बाई, ये और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। यहां से बेटा इस वाले स्टेप से अगर देखा जाए तो आपने डी बाई डी एफ की ये वैल्यू निकाली थी, समझिएगा ये स्टेप, dy/dx की वैल्यू अगर निकाली जाए तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई की वैल्यू होती है बेटा एम वाई। जरा यहाँ पर एलसीएम ले लो इस वाले स्टेप का, जब इस वाले स्टेप का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स, इधर आ जाएगा बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो नीचे का ये टर्म है उधर चला जाएगा, आप खुद देखिए 1 प्लस x स्क्वायर रूट में डी बाई डी x वैल्यू कितनी थी बेटा एम वाई, तो आप देखा इस पूरे की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एम वाई को, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, शिफ्ट कर लीजिए, जो प्रूव करना था आपका आंसर आ चुका है, ठीक इसको भी कर सकते हैं। चलिए बेटा कुछ और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने पैटर्न को समझ लिया है तो आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक भी करता जाएगा कि क्वेश्चन की सेटिंग को कहां तक घुमाना है, कैसे उसका आंसर निकाल लेना है। चलो मेरा क्वेश्चन है y equal to e a के पावर साइन इनवर्स x, और उसे आ गया ये प्रूव करो, तो आपने कहा चलिए शुरू करते हैं, पहला स्टेप तो dy by dx दैट शुड बी इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x into जिसको माना उसका किया, बस यहीं से पूरी कहानी घूम गई। आपने कहा आंसर सेट करना हमको आ गया था पिछले वाले में भी हमने देखा था, वही सेटिंग यहां पर भी है, एक डिनोमिनेटर बदल ले आई, ये चीज बेटा e की पावर a sin इनवर्स x, ये हमारा y था, ये क्वेश्चन क्या बना बेटा a y, नाउ डिफरेंशिएट, इस वाले को हम ड्रॉ करके फिर जरूरत पड़ेगी तो हम भी यूज करेंगे। आपने कहा यहां पर अगेन डिफरेंशिएट, तो आपने कहा एक को रखा दूसरे का किया, प्लस दूसरे को रखा पहले का किया, इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा बेटा ए डी वाई बाई डी। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, देखिए आंसर सेट हो जाएगा बेटा आपका, तो आपने कहा ये टू और ये टू आपस में कैंसिल आउट, एलसीएम लिया तो यहां पे आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एच टू, प्लस बेटा ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा एलसीएम उधर चला जाएगा, तो ए डी वाई बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा इस वाले स्टेप से ये जो वैल्यू है ये ए वाई थी, तो आपने कहा बेटा ये पूरी वैल्यू ए वाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, तो आपसे का हिसाब से जो हमारा फाइनल प्रूविंग थी वो देखिए, यानी कुल मिलाकर बेटा जैसे मेन गेम होता है पहले स्टेप की सेटिंग के बाद जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, वहीं से पूरी क्वेश्चन आपका अरेंज हो जाता है, पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको सेट हो जाता है, तो देखते रहिए आपको चीजें समझ में आती रहेगी। देखो बेटा इसमें अगर करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy / dx sin inverse x का होल स्क्वायर का 2 sin inverse x, आपने कहा हमको सेटिंग समझ में आ चुकी थी इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आप सब लोगों ने देख लिया,
आपने का डिफरेंशिएट डीवाई बाई डीएक्स का डी टू वाई अपॉन डीएक्स प्लस डीवाई बाई डी एक्स रखा, इसको किया बेटा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू, इधर आ जाएगा बेटा टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कहा एलसीएम ले लेते हैं, ये टू जो एलसीएम बेटा इस तरफ आएगा उधर ले जाएंगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको बेटा शिफ्ट कर लो माइनस टू हो जाएगा, डी वाई बाई एक्स माइनस वाई वन होता है और डी वाई बाई एक्स टू वाई टू होता है। ये सब बड़े क्वेश्चन हैं और इन सब समझ लीजिए, बड़े क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा है कि अगर पैटर्न सही से पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन जो होता है हमारा हार्डली चार से पांच स्टेप में पूरा पूरा सॉल्व हो जाता है। तो हमारा कराने के पीछे लॉजिक सिर्फ यही है कि प्रैक्टिस आपकी इतनी हो कि आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक करेंगे क्वेश्चन में क्या करना है। एक और देख लीजिए बेटा, आपने बोला y is equal to a cos of log x plus b sin of log x और हमको ये प्रूफ करना बेटा x square y2 plus x y1 plus y is equal to 0। आपने कहा भाई शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, आपने बोला पहले स्टेप से शुरुआत करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx, इधर करेंगे बेटा तो cos का माइनस साइन log x into जिसको मानना उसका किया तो log x का डिफरेंशिएशन का बन गया नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला x इधर ले जाओ बेटा, अब आपने कहा ये क्यों स्ट्राइक किया तो मैं आंसर देखिए अपने आप स्ट्राइक करेगा, क्वेश्चन ये होती नहीं है। तो आपने कहा पहला स्टेप हमारा सेट हो गया, एक स्टेप की सेटिंग और करते हैं। तो आपने कहा अगली डिफरेंशिएट, तो x को रखा y का d2 by upon dx plus dy by dx into 1, इधर बेटा तो इधर हो जाएगा साइन का कॉस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स, जो डिनोमिनेटर एक्स है बेटा इसको ले आओ एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो बेटा आपने कहा ये पूरा ऑर्डर क्वेश्चन है, अगर आप इसे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पूरा पूरा ऑर्डर क्वेश्चन है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई, जब शिफ्ट करेंगे तो देखिए आपका आंसर ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप बस आंसर को एक बार पैटर्न को देख लीजिए कि सेटिंग कैसे अरेंज करनी है, उसके क्वेश्चन का सेटिंग अरेंज करने के लिए आपको तीन या चार स्टेप लगेंगे तो पूरे क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल जाए। चलिए बेटा अब डबल डेरिवेटिव का इंपॉर्टेंट सेक्शन है विद पैरामीट्रिक, इसको अच्छे से समझिएगा, ये वाला मोस्ट प्रॉब्लम पेपर में आता ही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y दे रखा है a वन प्लस कॉस थीटा, जब हमने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया तो dx by d थीटा की वैल्यू आई a थीटा का वन हो गया बेटा साइन थीटा का कॉस थीटा। दूसरा y को डिफरेंशिएट किया तो y का आ गया बेटा dy by dt थीटा, a वन का जीरो हो गया cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। तो आपने कहा जब दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारा dy dx की वैल्यू निकल आई, तो जो dy dx की वैल्यू निकली वो आ गई हमारी माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस cos थीटा। अब हमने क्या किया बेटा, इसको प्रोसीड करने से पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, हाफ एंगल फॉर्मूला से साइन थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू और नीचे वन माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, जब हमने दोनों को लिख दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाई टू। ये जो वैल्यू निकली है बेटा ये अभी डीवाई बाई डी एक्स की, अब यहां से पूरी बात को समझना, यहां तक का आप काम पैरामीट्रिक में सीख चुके थे, अब जो काम हमको करना है वो ये है बेटा कि हमको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है कि फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर वेरिएबल है थीटा, जब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है हमारा dy by dx, इसी तरह से जब थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा टर्म आएगा d theta by dx। अब ध्यान से देखो, dy by dx को डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया d2y upon dx2
cot theta का differentiation minus cosec square theta by 2 का differentiation 1 by 2, और जब हमने theta को differentiate किया with respect to x तो ये आ गया d theta upon d. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी आप थीटा का या टी का डिफरेंशिएशन किसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहां पे टर्म आ जाएगा डी थीटा बाय थ्री. ऊपर वाले से dx बाय dt देता a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा, तो डी थीटा बाय dx का मतलब हो गया इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए. तो आपने कहा जब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा. तो आपने कहा ये देखिए हमारी वैल्यू यहां पर आ गई. फिर उसके बाद आपने कहा कि जो हमारा ये टर्म आया था इसको तुमने लिख दिया 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो एक 2 पहले से था, एक 2 और आया तो मिलके हो गया 4. ये a बाहर चला गया, sin स्क्वायर का टर्म को ऊपर लेके तो cosec स्क्वायर हो गया, तो 2 पावर पहले से 2 पावर और हो गए, ये पावर 4 और बेटा, तो कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 1 upon 4 a sin स्क्वायर थीटा बाय. तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म को अगर डबल डेरिवेटिव करना होता है तो इसका क्या तरीका होता है ये हमने आपको बताया. इनमें लिमिट आई क्वेश्चन और देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. x और y आपको दे रखे हैं, तो आपने कहा सबसे पहला काम dx by dt और dy by dt आप निकाल लीजिए. अच्छा इसमें ध्यान क्या रखना था बेटा, निकाल तो लीजिए मगर इसमें निकालने के बाद बेटा हमने cos t minus cos t और sin t minus sin t के फॉर्म में लगा दिए, तो उससे क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया. जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो cos 2t upon sin 2t हमारा cos 2t आंसर आ गया. तो आपने कहा इस तरीके से जो हमारा आंसर निकला cot dt, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने कहा dy dx की वैल्यू निकली cot 2t, और टू से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ गया माइनस कॉसिक स्क्वायर टू टी टी और टू टी का टू आ गया. अब फिर प्रॉब्लम वही टी था और हमको रिस्पेक्ट चाहिए था एक्स का, तो टी का डिफरेंशिएशन जब एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये टर्म आया हमारा डी टी बाई डी एक्स. डी एक्स बाई डी टी था हमारा बेटा ये, डी टी बाई डी एक्स का मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो आपने कहा ये हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया. हमसे कहा गया था टी इज इक्वल टू पाई बाय थ्री, बस आपको क्या करना है जहां जहां टी है वहां वहां पाई बाय थ्री पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन को. इस तरीके से हम अपने पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. तो आपने कहा कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हमको करना उसी तरीके से होता है, बस अंतर इतना रहता है कि वहां पर एक dt by dx का टर्म और निकल के आ जाता है. तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में दो टाइप आपने सीखे, एक सिंपल तरीके से करना और एक बेटा पैरामेट्रिक तरीके से करना. तो जो शीट आपको दी गई है आप उसको आराम से लगा सकते हैं और लगाने के बाद आराम से उसको आप सिंप्लीफाई करके डिस्कस भी कर सकते हैं. जो क्वेश्चन आपको ना आए आप हमको डायरेक्टली भेज दीजिएगा, या फिर हम आपको वीडियो बनाकर इसका एक पूरे लेक्चर्स का जो भी क्वेश्चन है उनका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कैसे उसको यूज करना है. थैंक यू वेरी मच.